नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हो सुपर वीरू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, होली स्टार्ट हो चुकी है और गांव में होली खेलने स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे लोग जा रहे हैं गांवों में, घूम रहे हैं, होली के रंगों में डांस कर रहे हैं और गाने बजा रहे हैं, होली के गाने बजा रहे हैं। लेकिन यार, मुझे एक चीज़ बहुत इसमें देखने को मिल रही है, जो पहले जिस टाइम पे हम होली खेलते थे, हम लोग क्या करते थे, जैसे कोई होली होती है, आप लोग भी करते होंगे, आप लोगों को भी अगर याद होगा तो पहले हम जाते थे, जैसे होली के एक हफ्ते पहले हम होली की तैयारियाँ करते थे। तैयारियाँ कैसे करते थे, एक होता था चीर होती थी, हम बोलते थे जो होली का होती है उसको हम लोग बोलते थे चीर बोलते थे। और उसमें हम क्या करते थे, जो कटपीस होती है ना, कटपीस, जैसे कोई दर्जी होता है, दर्जी सिलता है कपड़े कुपड़े को सिलता है, उसमें कटपीस निकलती, छोटे छोटे अलग रंग बिरंगे जो वो निकलते हैं, रेशे निकलते हैं, और उन कटपीसों को हम लगाते थे होलिका पे। और होलिका को एक हफ्ते पहले हम होलिका को काट देते थे और उसके बाद क्या करते थे, उसकी पूजा वगैरह भी करते थे। और हर दिन हम लोग होली के चारों साइड चक्कर, होलिका के चारों साइड चक्कर मारते थे, फिर घूमने जाते थे और आज इस गांव में जाना है तो कल दूसरे गांव में जाना है, तीसरे गांव में, इसी तरीके से पूरे हफ्ते भर हम लोग होली मनाते थे। लेकिन वो चीज़ें आजकल देखने को नहीं मिल रही है। आजकल होलिका जो है एक दिन बड़े मुश्किल से लोग मना रहे हैं, तो गाँव में तो कम से कम चलो दो तीन दिन हल्के फुल्के मना ही रहे, लेकिन वो जोश, वो जुनून जो उस टाइम पे होता था होली मनाने में, वो नहीं दिख रहा है। तो धीरे धीरे जो पुरानी चीज़ें हैं हमारे, जो कल्चर में है, हमारे कल्चर में पहले एक हफ्ते तक होली मनाते थे हम, एक हफ्ते होली का डांस करते थे अलग अलग, लास्ट दिन तो हम अपने गांव में घूमते थे, उससे पहले हम जो आसपास के जो पूरे गांव हैं उन गांवों में घूमते थे और बहुत इंजॉय करते थे, बहुत अच्छे तरीके से होली मनाते थे। लेकिन आजकल थोड़ा ढीला पड़ गया है। अभी भी मैंने देखे बच्चों को थोड़ा होली मनाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन होली के गाने वगैरह तो कोई गा नहीं रहा आजकल, सब बस ढोलक ही बजाते, ढम 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 करते हुए निकल रहे हैं। अलग पहले क्या होता था, दूर से ही पता लग जाता था कि किस गांव की टोली आ रही है। एक जुनून होता था, एक जोश होता था, होली के गाने होते थे, काफ़ी इंजॉय किया जाता था। लेकिन वो चीज़ें अब देखने को नहीं मिल रही है। और हम सोचते हैं यार, हम अपने कल्चर को बचाएं कैसे बचाएं भाई, कुछ चीज़ों को तो जो गांव की होली आज भी लोग मानते हैं कि गांव में बहुत अच्छी होली होती है, शहरों में तो एक दिन की होली होती है, एक दिन भी क्या होता है, दो तीन घंटे में ही सब चीज़ बराबर हो जाता है, लेकिन गांव में फिर भी दो तीन दिन होली चलती ही चलती है, लेकिन वो जुनून, वो जोश थोड़ा कम है। और हम चाहते हैं कि यार होली को मैं आपको दिखाऊँ, जो भी गाँव में होली वगैरह होंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि गांव में किस तरीके से होली खेल रहे हैं, और हम लोग भी खेलेंगे होली खेलेंगे, और जो गांव में आसपास के बच्चे भी आएंगे, और गांव में आते हैं ना हम लोग, सब गांव में जाते हैं और गांव में क्या करते, कोई हमें टीका वगैरह, हम किसी पे टीका लगाते हैं तो वो हमें दक्षिणा वगैरह देता है, तो लास्ट दिन हम लोग क्या करते थे, जो पैसे वगैरह इकट्ठे होते थे उस इकट्ठे पैसे से हम कोई भी ऐसी चीज़ लेके आते थे जो गाँव के काम आए। यानी कि अगर मान लो गाँव में किसी चीज़ की कमी है और हमारे होली में के पैसे से जो भी चीज़ें इकट्ठा हो रखी है उन चीज़ों को इकट्ठा करके और उस चीज़ को हम लेके आते थे सरकारी तौर पे, पंचायत के तौर पे लेके आते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। और आजकल थोड़ा उतना जोश जुनून नहीं है होली में, और हम चाहते हैं कि और भी जोश जुनून, अपना हमारा जो कल्चर है, इस कल्चर को हम आगे बढ़ाते जाएँ। तो होली के गाने भी ज़रूर गाइए आप, होली के गाने गाओ। और राधे कृष्ण वगैरह बनते थे, एक राधा बनता था, एक कृष्ण बनता था, और दोनों डांस करते थे, तो काफ़ी मज़ा आता था होली में। तो आप सभी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरे सभी सब्सक्राइबर को, और एक परिवार है, हम लोग आपस में एक परिवार है, जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मेरा परिवार है, और मैं अपने परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप अच्छे से होली मनाइए और अपने घर वालों के साथ होली मनाइए, अपने गांव वालों के साथ होली मनाइए, प्यार प्रेम से रहिए, जो भी दुख दर्द है उस सबको भूल जाइए। इस टाइम पे होली का त्यौहार ही ऐसा है, मैं जो दुख दर्द है उन सबको भूल जाइए, इंजॉय कीजिएगा। दुख दर्द हर किसी की लाइफ में आता है, हर कोई दुखी है, हर कोई चाहता है कि यार ये चीज़ें हैं, लेकिन होता रहता है, परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलती हैं, बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो पूरे परिवार के साथ इंजॉय कीजिए, जो दोस्त लोग हैं दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, होली के त्यौहार को अच्छे से मनाइए। इन्हीं उम्मीदों के साथ एक बार फिर हैप्पी होली, होली एंजॉय कीजिए।
से है ना। रिशु क्या कर रहे हो? मटर छिल रहे हो? आपको मटर छिलना आता है? अरे तो बहुत अच्छा बच्चा है भाई, सारा काम करता है ये तो। अच्छा ये बताओ, आप क्या क्या काम करते हो? हाँ अच्छा, आपको कैसा लग रहा आज? अच्छा, पापा क्या लाए आपके लिए? पापा क्या लाए? हाँ चीजी लाए, बहुत सारी चीजें लाए ना आपके लिए। हाँ। और फिर ढोलक भी लाए ना, और तो आपने ढोलक बजाया। और क्या क्या लाए? टैंक भी लाए ना, पिचकारी भी लाए ना। अच्छा अभी आप मटर छिलोगे? अरे ऋषि तो बहुत सारा काम करता है यार। ऋषि तूने कहाँ से सीखा इतना काम? ऋषि एक पोएम भी सुना देगा, अब तो पोएम भी आती है, सुना दो। आगे स्टार्टिंग से सुनाओ। जॉनी जॉनी यस पापा, धोनी धोनी नहीं जॉनी जॉनी। बोलो। अच्छा चलो बाद में सुनाना। अच्छा ये बताओ, एबीसीडी भी सीखी है आपने? एबीसीडी आती है? सुनाओ तो एबीसीडी। आगे सी फॉर, क्या होता है? अरे आप बताओ ना क्या होता है। सी फॉर कैट। और डी फॉर क्या होता है? बताओ ना आप बताओ, डी फॉर क्या होता है? ई फॉर, एलिफेंट। अच्छा एफ फॉर क्या होता है? फिश। यही तक सीखा। आगे भी आता है? एफ के बाद क्या आता है? क्या आता है? कुछ ही नहीं। अच्छा कुछ ही नहीं। जी एच आई जे के ये नहीं सीखा अभी? चलो अभी इतना ही सीखा ऋषु ने, है ना।